नई नई तहसीलदार का जलवा सिंघम की तरह। सरकारी अधिकारी की लापरवाही, तानाशाही। सिमरिया हाई सेकेंडरी स्कूल, कोई नकल की सामग्री मिली, ना ही कोई अनुचित सामग्री मिली। उसके बावजूद मैडम ने अचानक फार्म भरने लगी, एक या दो नहीं लगभग 50 फार्म भर दिए। इसी प्रक्रिया के दौरान बच्चियां छात्राएं रोने भी लगी, दो बच्ची बेहोश भी हो गई। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। स्कूल में हड़कंप मच गया, लेकिन मैडम अपनी तानाशाही दिखाती रही। कार्यवाही में आधा घंटा लग गया और बच्चों का परीक्षा का समय होता है, वो मैडम की तानाशाही और लापरवाही की वजह से आधा घंटा बच्चों का बर्बाद हो गया। मीडिया के लोग वहां पहुंचे तो मैडम ने बोला कि जहां चाहे जहां देखो वहीं चले आते हो। मीडिया वालों ने SDM को फोन किया, जिला पंचायत अध्यक्ष को फोन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने SDM मैडम से बोला कि तहसीलदार मैडम का यह रवैया नहीं चलेगा, उनको समझाएं। अब सवाल यह उठता है कि बच्चों का जो आधा घंटा बर्बाद हुआ, मैडम के द्वारा जो तानाशाही दिखाई गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा। केंद्राध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपने 24 साल के करियर में अभी तक ऐसी कार्रवाई नहीं देखी है कि कोई भी अधिकारी अचानक बिना वजह के 50 फार्म भरने लगे। इस विषय पर उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। तहसीलदार मैडम को जब समझ में आया तो औपचारिकता करने के लिए दो फार्म वहां से भर कर चली गई। किसने? आपका नाम क्या है? पर्ची मिली थी क्या आपके पास? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। पेपर में टिक लगा दी। किसने? पेपर में टिक लगी है सर, एक भी नकल नहीं। रो रही कोई बच्ची नकल की, फिर भी बोल रही कि नकल की है, तब पकड़ा। किसने नकल की? आपके पास पर्ची मिली क्या? नहीं नहीं, के पास कुछ नहीं मिली। पेपर छुड़ा लिए, बस थोड़ा सा टिक लगा दिए, घर जा रहे। किसने छुड़ाए थे पेपर आपसे? तहसीलदार मैडम। उसी दिन लड़का वाले अपने पेपर हट कर रहे थे जी, वहाँ कोई नकल नहीं थी जी, न कुछ था। मैडम आई, ने पेपर में जो लड़के क्वेश्चन कर लेते हैं हमें टिक लगाया, और वो टिक लगे हुए हमने सब पेपर लड़कों की जब्त कर लेगी, फार्म भरने के लिए तैयार हो गए जी। हुआ मुझे तहसीलदार मैडम माध्यम सूचना दी थी कि यहाँ पर कुछ बच्चे बेहोश हो गए हैं, तो मैं जाकर के बच्चियों को वहाँ स्कूल में जाकर मैंने देखा, परीक्षण किया। उसमें एक बच्ची सीरियस थी, तो मैं उसको स्कूल से आई स्कूल से अपने यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सवरिया में लाया और मैंने उसको चेकअप किया। तो उसका बच्ची को मैंने पूछा तो उसने बताया कि खाना खा के नहीं आए थे। तो मैंने उसका चेकअप वगैरह किया तो उसको थोड़ा लेवल थोड़ा डाउन था, उसका हाइपोग्लाइसेमिया है, वो कश्मीर जा रहा था। तो मैंने उसको ट्रीटमेंट किया, उसके बाद में उसको ड्रग वगैरह दिए, बच्चा नॉर्मल हो गया।